वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी यानी मिनी वर्ल्ड कप। आईसीसी ने अपने रूल्स बदलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या क्या बदल दिया है बता रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बात टी20 वर्ल्ड कप की, 4 महीने में होने वाला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कब होगा, ये आईसीसी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। पर अगले 10 साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप कैसे होंगे ये आईसीसी ने बता दिया है। दूर की सोच शायद इसे ही कहते हैं। 2021 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी 2024 से हर 2 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप कराएगी। वैसे 2016 तक ऐसे ही होता था, पर फिर आईसीसी ने कहा कि ऐसे मजा नहीं आ रहा, और अब उन्हें कैसे भी मजा नहीं आ रहा, तो 2024, 2026, 2028 और 2030 में टी20 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, जिनमें अब 16 टीम्स की जगह 20 टीम्स होंगी। ये 20 टीम्स 5-5 टीम्स के 4 ग्रुप में डिवाइड होंगी, और इन 4 ग्रुप्स की टॉप 2 टीम्स यानी 8 टीम्स का क्वार्टर फाइनल नहीं होगा, इन 8 टीम्स का होगा सुपर 8 स्टेज, जिसके बाद 4 टीम्स का नॉकआउट सेमीफाइनल और फिर फाइनल। आईसीसी ने डिसाइड किया है कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए टी20 बेस्ट है, इसलिए अब 2024 से 2030 तक टी20 वर्ल्ड कप 55 मैचेस का होगा। अब 20 टीम का टी20 वर्ल्ड कप ज्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा? अगर आपको लगता है हाँ तो कमेंट में ये क्या कर दिया आईसीसी लिख दीजिए, और लगता है नहीं तो कमेंट में ये बढ़िया है गुरु लिख दीजिए। अब बात करेंगे 50 ओवर वर्ल्ड कप की। 2015 तक 50 ओवर वर्ल्ड कप में 14 टीम्स होती थी। इंडिया ने जो 2011 में वर्ल्ड कप जीता था उसमें भी 14 ही टीम्स थे, बट फिर आईसीसी को लगा कि नहीं 10 टीम्स करते हैं, क्योंकि छोटी टीम्स को वर्ल्ड कप में चांस देने का मतलब ही क्या है। तो आईसीसी ने 2019 वर्ल्ड कप और 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें 14 से 10 टीम्स कर दी। पर अब आईसीसी ने कहा है कि 14 टीम्स ही बढ़िया हैं, इसलिए 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप और 2031 में 50 ओवर वर्ल्ड कप दोनों में ही अब 14 टीम्स खेलेंगी। इसका मतलब ये भी है कि वर्ल्ड कप में अब क्वार्टर फाइनल नहीं होगा, फिर से सुपर 6 फॉर्मेट होगा, जिसमें 7-7 टीम्स के 2 ग्रुप में से अब 3-3 टॉप टीम सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेगी, फिर इन 6 टीम्स में से टॉप 4 का सेमीफाइनल और फिर फाइनल। इस फॉर्मेट की वजह से अब इस टूर्नामेंट में 54 मैचेस होंगे, जो कि 10 टीम वाले वर्ल्ड कप से 8 मैचेस ज्यादा है। आपको वैसे क्या ज्यादा पसंद है, टॉप 8 टीम्स का नॉकआउट क्वार्टर फाइनल या टॉप 6 टीम्स का सुपर 6, कमेंट में बताइए ना। और अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके साथ आईसीसी सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार करती रही है। मिनी वर्ल्ड कप के नाम से शुरू हुआ ये टूर्नामेंट सबसे पहले नॉकआउट था, फिर वर्ल्ड कप जैसा लंबा हुआ, फिर बीच में बंद हो गया, और 2017 के बाद जब पाकिस्तान ने इसे जीता तब से इसके लिए कोई प्लान ही नहीं था। पर अब आईसीसी ने प्लान बना दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी यानी मिनी वर्ल्ड कप अब 2025 और 2029 में होगा। वर्ल्ड की टॉप 8 टीम्स को 4-4 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, दोनों ग्रुप्स की 2-2 टॉप टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और फिर फाइनल खेला जाएगा। टोटल 15 मैचेस के इस टूर्नामेंट को आईसीसी ने जिंदा करके एक नई मिसाल बना दी है। इस नई प्लानिंग के बाद 2023 से 2031 तक हर साल क्रिकेट फैंस को मल्टी नेशन टूर्नामेंट या सिंपल भाषा में कहूं तो वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। जी हाँ, 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप, 2024 में टी20 वर्ल्ड कप, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में टी20 वर्ल्ड कप, 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप, 2028 में टी20 वर्ल्ड कप, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2030 में फिर टी20 वर्ल्ड कप, और 2031 में 50 ओवर वर्ल्ड कप। अब इतने सारे वर्ल्ड कप के ही मजे को खराब ना कर दे। कमेंट्स में आप हमें बताओ कि आईसीसी के इस नए कैलेंडर पर आपका कहना क्या है। क्रिकेट से जुड़ी सारी न्यूज़, सारे अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है एबीपी अनकट। तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं आप इस वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करना बनता है। आप देख रहे हैं अनकट।